कैसे हो दोस्तों, आज हम फिर एक बार आपके लिए लेकर आ गए हैं एक और इंटरेस्टिंग ट्रेवल वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे टॉप 10 मोस्ट विजिटेड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ उत्तराखंड की। तो वीडियो में एंड तक हमारे साथ बने रहें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। सो लेट्स स्टार्ट विद द लिस्ट। लैंसडाउन। लैंसडाउन एक छोटा सा कंटोनमेंट टाउन है जो उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। ये पहाड़ों से घिरा हुआ और नेचर से भरा हुआ एक पीसफुल प्लेस है। लैंसडाउन ब्रिटिश टाइम के दौरान बनाया गया था, और इसका नाम लैंसडाउन ब्रिटिश वॉइस रॉय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया था। यहाँ के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लेसेस की बात करें तो इनमें आता है भुल्ला लेक, टिबिन टॉप पॉइंट, सेंट मैरीज चर्च, गढ़वाली मैस, रेजिमेंटल वॉर मेमोरियल और ताड़केश्वर महादेव टेम्पल। भुल्ला लेक एक सुंदर झील है जहां ट्रेवलर्स बोट राइड और शांत एनवायरनमेंट का आनंद उठा सकते हैं। टिबिन टॉप पॉइंट से आपको एक अद्भुत व्यू मिलता है। यहां के प्लेसेस और मंदिर भारतीय संस्कृति का अंश हैं, और यहां के नेचर का सौंदर्य आपको आकर्षित करेगा। और अगर आप पीसफुल एनवायरनमेंट में घूमना चाहते हैं तो लैंसडाउन एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चमोली। चमोली एक इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है जो कि उत्तराखंड स्टेट में लोकेटेड है। ये डिस्ट्रिक्ट हिमालय की पहाड़ियों में लोकेटेड है और नेचर की खूबसूरती से भरा हुआ है। चमोली की राजधानी गोपेश्वर है। यहाँ पर लोकेटेड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया है। यहाँ कई तरह के फूल खिलते हैं जो अलग अलग रंगों में चमकते हुए से नजर आते हैं। चमोली डिस्ट्रिक्ट में बद्रीनाथ धाम भी लोकेटेड है, जो कि एक फेमस हिंदू तीर्थ स्थल है। ये चार धाम यात्रा का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा भी है, और साथ ही हेमकुंड साहिब जो कि एक पवित्र सिख तीर्थ प्लेस है, और ये चमोली से बहुत पास है। यहाँ पर एक सरोवर भी है जिसका नाम हेमकुंड है। औली। उत्तराखंड में स्थित औली एक और नेचुरल ब्यूटी से भरी हुई जगह है। ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है और एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है, जिसका मेन अट्रैक्शन पॉइंट हिमाद्री के व्यूज हैं। ये अलग अलग माउंटेन पीक्स, ग्रासलैंड्स और हिमालयन फॉरेस्ट के साथ साथ स्कीइंग के लिए फेमस है। यहाँ का मौसम सर्दी में बर्फ और गर्मी में हरियाली के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर बहुत सारे स्की स्लोप्स हैं जो कि बिगिनर्स से लेकर प्रोफेशनल्स के लिए हैं। औली की एक स्पेशलिटी ये भी है कि यहाँ पर एक केबल कार का इस्तेमाल होता है जो टूरिस्ट को एक शिखर से दूसरे शिखर तक ले जाती है, जिससे वो नेचर की अमेजिंग ब्यूटी का एक्सपीरियंस कर पाते हैं। रानीखेत। रानीखेत उत्तराखंड का एक फेमस माउंटेन टाउन है। ये उत्तराखंड की एक खूबसूरत जगह है जो अल्पसपर्श माउंटेन रेंज के बीच में लोकेटेड है। रानीखेत का नाम रानी पद्मनी से लिया गया है, और ये जगह राजा सुधर देव की पत्नी रानी पद्मनी के लिए बनाई गई थी। यहाँ का ब्यूटीफुल और पीसफुल एनवायरनमेंट, एपिक हिमालयस के माउंटेन व्यूज और प्राचीन मंदिरों ने इस प्लेस को एक पॉपुलर टूरिस्ट प्लेस बनाया है। और आप अगर एक शांति भरा माहौल चाहते हैं तो रानीखेत एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर यहाँ पर घूमने के लिए बेस्ट प्लेसेस की बात करें तो यहाँ पर चौबतिया गार्डन्स, झूला देवी टेम्पल, उपद गोल्फ कोर्स और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर म्यूजियम को आप विजिट कर सकते हैं। हरिद्वार। हरिद्वार शहर गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है और हिंदू रिलीजियस और कल्चरल इम्पोर्टेंस का मेन पॉइंट है। हरिद्वार का नाम हरि का द्वार है, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु के रूप को दर्शाने का प्लेस है। हर की पौड़ी। ये प्लेस गंगा नदी के किनारे एक इम्पोर्टेंट घाट है। यहाँ गंगा आरती का आयोजन रोज किया जाता है, जो कि भक्तों और घूमने आए लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। मनसा देवी मंदिर। हरिद्वार में लोकेटेड इस मंदिर को पहाड़ पर बनाया गया है। ट्रेवलर्स मंदिर को सीधे पहाड़ से या केबल कार से भी विजिट कर सकते हैं। चंडी देवी मंदिर। ये भी एक प्रसिद्ध मंदिर है जो गंगा नदी के दूसरे किनारे पर लोकेटेड है। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए भी पहाड़ या केबल कार का प्रयोग कर सकते हैं। भारत माता मंदिर। हरिद्वार में लोकेटेड इस मंदिर में भारत माता की पूजा की जाती है। यहाँ एक विशाल भारत माता की प्रतिमा स्थापित है। कुंभ मेला। हरिद्वार में कुंभ मेला भी लगातार कई वर्षों से आयोजित किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक मेला है
जिसमें भक्तों का महास्नान होता है, गंगा आरती। हरिद्वार की गंगा आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हर की पौड़ी पर हर शाम गंगा आरती का आयोजन होता है, जिसे लोग भक्ति भाव से देखने आते हैं। ऋषिकेश। ऋषिकेश गंगा नदी के किनारे बसा हुआ और पहाड़ों से घिरा हुआ एक शहर है। ऋषिकेश दुनिया भर से आने वाले स्पिरिचुअल सीकर्स, योग एंथुजियास्ट और एडवेंचर सीकर्स के लिए एक इम्पोर्टेंट प्लेस है। यहाँ पर बहुत से घूमने वाले प्लेसेस हैं, जैसे कि त्रिवेणी घाट। ये एक इम्पोर्टेंट घाट है जहाँ लोग स्नान करने आते हैं और यहाँ गंगा आरती भी की जाती है। लक्ष्मण झूला एंड राम झूला, ये दो पुल हैं जो गंगा नदी पर बने हुए हैं। इनका नाम हिंदू एपिक्स रामायण से जुड़ा हुआ है। परमर्थ निकेतन, ये एक फेमस आश्रम है जहाँ योगा और मेडिटेशन टीचिंग्स दी जाती हैं। द बीटल्स आश्रम, ये आश्रम द बीटल्स ने 1968 में शुरू किया था, जिसे आजकल द बीटल्स आश्रम के नाम से जाना जाता है। नीलकंठ महादेव टेंपल, ये टेंपल ऋषिकेश से कुछ दूर लोकेटेड है और भगवान शिव को समर्पित है। ऋषिकेश के पास लोकेटेड एक फेमस नेशनल पार्क है, राजा जी नेशनल पार्क, जहाँ आप वाइल्ड लाइफ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ऋषिकेश आजकल योगा और स्पिरिचुअल सीकर्स के बीच में बहुत फेमस है। यहाँ पर आने वाले लोग गंगा के किनारे पर बैठकर ध्यान और योगा करते हैं। इसके अलावा राफ्टिंग, ट्रैकिंग एंड अदर एडवेंचर एक्टिविटीज भी यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट अट्रैक्शन पॉइंट्स हैं। देहरादून। ये शहर दून वैली में लोकेटेड है और शिवालिक हिल्स के किनारे बसा हुआ है। देहरादून एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म से उत्तराखंड स्टेट का हेडक्वार्टर्स भी है, यानी कि यहाँ की कैपिटल सिटी भी है। ये शहर प्राचीन इतिहास और सुंदर वातावरण के लिए भी प्रसिद्ध है। कुछ प्रमुख तीर्थ स्थल भी इस शहर के आसपास लोकेटेड हैं। और इनके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉबर्स केव, ये एक नेचर से बनी हुई गुफा है जिसे गुचुपानी भी कहा जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर सहस्त्रधारा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट और तपेश्वर टेम्पल को भी विजिट कर सकते हैं। नैनीताल। नैनीताल उत्तराखंड में लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट माउंटेन सिटी है। ये नेचुरल ब्यूटी और पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए भी फेमस है और इस प्लेस को विजिट करने के लिए हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर बहुत सी चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं, जिनमें शामिल है नैनी लेक। ये नैनीताल का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है। यहाँ पर पहाड़ों के बीच बोटिंग का आनंद आप ले सकते हैं। स्नो व्यू पॉइंट, नैनीताल से कुछ दूर स्नो व्यू पॉइंट से आप बर्फीली चादर से ढकी हुई पहाड़ों को देख सकते हैं। नैना देवी टेम्पल, ये एक प्राचीन मंदिर है जो कि नैनी लेक के किनारे लोकेटेड है। यहाँ की देवी को नैना देवी के रूप में पूजा जाता है। द मॉल रोड, ये एक इम्पोर्टेंट बाजार है जहाँ पर आप बहुत सी अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में लोकेटेड एक फेमस नेशनल पार्क है। ये पार्क 1936 में स्टेब्लिश किया गया था और यहाँ एक जंगल है जिसमें भारी मात्रा में फ्लोरा एंड फौना पाई जाती है। इस पार्क का मेन ऑब्जेक्टिव टाइगर्स और कोई भी डिफरेंट टाइप की वाइल्ड लाइफ को सुरक्षित रखना है। ये पार्क दुनिया के सबसे एंशियंट नेशनल पार्क में से एक है और इसका नाम फेमस हंटर एंड फॉरेस्ट कंजर्वेटर जिम कॉर्बेट के नाम पर रखा गया था। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हिमालय की पहाड़ियों और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में लोकेटेड है, जिसका व्यू अनुकूल और मनोहर है। मसूरी। मसूरी उत्तराखंड का एक इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेस है और इसका माहौल शांत और हल्की हवाओं के लिए फेमस है। साथ ही साथ इसे क्वीन ऑफ हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। ये पहाड़ों में बसा हुआ है और इसका नजारा बहुत ही अमेजिंग है। यहाँ पर घूमने के लिए बहुत सी जगहें हैं, इनमें शामिल है द मॉल रोड जो कि मसूरी का एक इम्पोर्टेंट शॉपिंग हब है। यहाँ पर आप अलग अलग दुकानों से शॉपिंग कर सकते हैं और साथ ही साथ सुंदर व्यूज का आनंद भी उठा सकते हैं। गन हिल, ये आपको मसूरी और इसके आसपास के पहाड़ों का खूबसूरत व्यू दिखाएगा और यहाँ से आप पहाड़ों की हवाओं का अनुभव भी ले सकते हैं। कैंपटी फॉल्स, मसूरी के पास लोकेटेड है ये एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट भी, जिसे आप यहाँ जाने के बाद विजिट जरूर करें। लाल टिब्बा, ये मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है। यहाँ से आप स्नो कैप माउंटेन्स का सुंदर व्यू देख सकते हैं। तो ये थे 10 उत्तराखंड के बेस्ट टूरिस्ट प्लेसेस जिनको आप उत्तराखंड आने के बाद विजिट जरूर करें। इस वीडियो में बस इतना ही।
आपका इन प्लेसेस को लेकर क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और बाकी ट्रैवल लवर्स के साथ इसे शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग ट्रैवल कॉन्टेंट के साथ। टिल देन, कीप ट्रैवलिंग।